आपका दिल नहीं करता कि मैं पढ़ूं? करता है तो थोड़ा थोड़ा ही करता है, और फिर दिल करता है नहीं नहीं स्कूल को टीचरों को कोट बड़ी पैंदी है। मैं जाता था फिर वो जेन नहीं था, फिर मैं छोड़ दिया। आपके पापा क्या कहते हैं? पापा भी यही काम करते हैं। पापा भी यही काम करते हैं, तो आप कब से काम कर रहे हो? ये तकरीबन मुझे 1.5 साल हो गया। आपने बड़ा होके क्या बनना है? सीनियर इंजीनियर बनना है। हम अपनी गड़ा से जाता है तो प्लास्टिक फ्लूक्सा चुकता है, हम बेच देता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मेहरान नासिर और आप देख रहे हैं सफ़र .pk। नाज़रीन, वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटी है, न जाने किस जुर्म की पाई है सदा याद नहीं। आओ एक सजदा करें आलमे मदहोशी में, लोग कहते हैं सागर को खुदा याद नहीं। नाज़रीन, पेट की खातिर वालदैन अपने 11 से 12 साल के बच्चे, बल्कि इससे भी कम उम्र के बच्चों को मुख्तलिफ़ किस्म के कामों पर लगा देते हैं। ये वो लोग होते हैं, ये वो यतीम और मस्कीन लोग होते हैं कि जिनका तमाम तर जमा खर्च होता है वो हुकूमत पर वाजिबुल अदा होता है, लेकिन अफसोस ये बच्चे हमें सड़कों पर कभी मोटरसाइकिलें सही करते, कभी गाड़ियां साफ़ करते और कभी मुख्तलिफ़ किस्म के काम करते दिखाई देते हैं। नाज़रीन, माजी में हमने हर हुकूमत की तरफ से कहानियां तो बहुत सुनी, किसी ने नारा लगाया पढ़ा लिखा पंजाब, तो किसी ने नारा लगाया पढ़ो पंजाब और भड़ो पंजाब, लेकिन अफसोस के इस पर कोई भी अमल ना हो सका। लेकिन हकीकत तो यह है कि आज भी चाइल्ड लेबर अरूज पर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी मुतअद्दिद बार यही नारा लगाता रहा कि जब हम इक्तदार में आएंगे तो हम बच्चों के लिए ये करेंगे, बच्चों के लिए वो करेंगे, लेकिन अफसोस उस पर भी कोई खातर का इंतज़ाम हमें दिखाई नहीं देता है। लेकिन हकीकत तो यह है कि आज भी चाइल्ड लेबर अरूज पर है। कहाँ है अदारा चाइल्ड ब्यूरो प्रोटेक्शन? कहाँ है वो अदारे, कहाँ है वो NGOs, कहाँ है वो हजरात जो लोगों की मदद करते हैं? और यही वो बच्चे हैं, यही वो हमारा मुस्तकबिल है जो आज सड़कों पर जिलों ख्वार हो रहे हैं और मुख्तलिफ किस्म की मजदूरियाँ कर रहे हैं। ये वो लोग हैं कि जिनके हाथों में इस वक्त कलम की बजाय औजार है। कहाँ है हमारी सरकार? कहीं पर भी नहीं। अफसोस है और अफसोस है और सिर्फ अफसोस है। कहाँ है वो चाइल्ड ब्यूरो प्रोटेक्शन जो लोगों के हाथों से सिर्फ और सिर्फ बच्चों के हाथों से औजार को छीन कर कलम पकड़ाए? लेकिन अफसोस ये ऐसा कुछ भी नहीं हो पा रहा, और हम अपने जो है मुस्तकबिल को सड़कों पर या तो मोटरसाइकिलें सही करते दिखाई देते हैं, या वो कारें साफ़ करते दिखाई देते हैं, और या वो डिफरेंट तरह के काम करते दिखाई देते हैं। तो आइए जानते हैं उन बच्चों से कि वो किस तरह काम करते हैं, कौन सी ऐसी मजबूरियाँ हैं कि जो उन्हें इस काम के लिए मजबूर करती हैं। तो आइए चलते हैं उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। अच्छा बच्चे, आपका नाम क्या है? तैयब। अच्छा तैयब, मुझे ये बताओ कि आप कब से ये काम कर रहे हो, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है ये 9-10 साल या 11 साल है। 10 या 11 साल, तो ये आप कब से ये बेच रहे हो? आ, हो गया 1 साल को हो गया बेच दिन। अच्छा, तो आपके पापा क्या करते हैं, आपके घर वाले क्या करते हैं, आपका कोई बड़ा भाई या पापा हैं? है, 4 भाई हैं, एक सब तो छोटा है, एक फैटी जो लगा सी उन्हें जवाब हो गया, तो एक जरा है मेरे नाल मुंडे बेचता है, उनके पैर सड़ गया, वो घर बैठा है, तो वो थोड़ा बहुत है ना 250। आपके पापा क्या करते हैं? अबू मेरा ना रक्षा चलाता है, तो उन्होंने इस टाइम ना कोई नौकरी नहीं लग रही तो ता बेच रहा मैं मुंडे। अच्छा, तो ये बताओ कि आपका दिल नहीं करता पढ़ने को? करता है बड़ा, 4 बारी स्कूल पढ़े वहाँ, 4 बारी छाड़ता, कोई नहीं हूँ दिल करता पढ़न। अच्छा ये बताओ कि आपका स्कूल जाने का दिल नहीं करता, आपका दिल नहीं करता कि मैं पढ़ूँ? करता है तो थोड़ा थोड़ा ही करता है, और फिर दिल करता है नहीं नहीं स्कूल को टीचरों को कोट बड़ी पैंदी है, दिल करता है इतने से सारी दिहाड़ी बनिया रहने स्कूल से, ऐसे बाहर बूट कदी उधर फेलो कदी उधर फेलो तो फिर घर पहले। नाज़रीन, ये हैं वो चीज़ें कि जो बच्चों को इस चीज़ पे आमादा कर देती हैं कि वो बाहर काम कर लें, लेकिन टीचर हजरात उनको मारते हैं और ये दूसरी तीसरी चीज़ें। लेकिन हमारे स्कूलों में ये तो सुनने में आता है कि मार नहीं प्यार, लेकिन बच्चों के नज़दीक आप देख रहे हैं कि उनके स्कूल जाने का डर है कि वो किस तरह स्कूल जाएँ, हमें टीचर वहाँ पर मारेगी, ये करेगी वो करेगी। तो ये हैं चीज़ें, ये हैं वो मजबूरियाँ कि जिनकी बिना पे ये मजबूर होते हैं कि एक बाहर आकर चीज़ें बेचते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा बच्चे, आपका नाम क्या है? तैयब हसन। अच्छा तैयब, मुझे ये बताओ कि आप ये आलू चने बेच रहे हो, आपने कब से बेच रहे हो? मैं चाचू के यहाँ 2 साल के उससे साथ बेच रहा हूँ। तो आप स्कूल जाते हो? हाँ जी। कौन सी क्लास में? 5। और आप ये भी काम कर रहे हो, तो आपको आपका नहीं दिल करता कि मैं पढ़ूँ लिखूँ खेलूँ कूदूँ, ये आप यहाँ पे आके ये नौकरी कर रहे हो? नहीं करता है, तो वैसे मैं ईद की छुट्टियाँ गुजारने आया, चाचू ने कहता आप ईद का गुजार दो तो फिर चले जाओ। ईद तक वो आपको कहते हैं कि आप हमारे साथ काम करो, तो आपके पापा क्या कहते हैं?
पापा भी ये काम करते हैं ना। पापा भी यही काम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा आपका नाम क्या है? अदनान अली। अदनान अली मुझे ये बताओ कि आप यहाँ पे क्या काम करते हो? टायरों का काम करते हो। तो आप कब से काम कर रहे हो? ये तकरीबन मुझे 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गया। तो आपके पापा क्या करते हैं? आपका नहीं दिल करता स्कूल जाने का? नहीं अभी तक तो नहीं करता, वो ना समझो वैसे मैं। पापा क्या करते हैं? पापा हैं फ्री बारे। तो स्कूल क्यों नहीं जाते? बस जेन काम नहीं करता, अनपढ़ हूँ। अनपढ़ है तो बेटा आप पढ़ोगे तो फिर ही है ना, आप पढ़ोगे तो फिर ही काम करेगा ना देन। ऐसे तो नहीं ना, आपको स्कूल जाना चाहिए। मैं जाता था फिर वो जेन नहीं था, फिर मैं छोड़ दिया। फिर आपके पापा ने नहीं आपको कुछ भी कहा कि पुत्र पढ़ लो, आपने छोड़ कहा था उन्होंने, पर मैंने कहा नहीं मैंने काम करना, फिर उन्होंने कहा ठीक है पढ़ जा। नाज़रीन ये समझाने की चीज़ें हैं और ये वालदैन को भी समझाना चाहिए कि आप अपने पाँव पे कुल्हाड़ी खुद मार रहे हैं, आपको भी पढ़ना चाहिए और काम करना चाहिए। ये मुस्तकबिल नहीं है हमारे बच्चों का, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल पढ़ लिख के ही कुछ रोशन होगा, और हमारे वालदैन भी इस तरह तवज्जो नहीं देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बच्चे आपकी आपका नाम क्या है? अली शेर। अच्छा अली शेर आपकी उम्र कितनी है? 12 साल। 12 साल। तो अली मुझे ये बताओ कि आप क्या काम करते हो? टायरों का काम करते हो। तो आप कब से काम कर रहे हो? ये 2 दिन ही हुए हैं। 2 दिन ही हुए हैं। तो आप मुझे ये बताओ कि आपके पापा क्या करते हैं और आपको टायरों के काम पे किसने लगाया? मामा ने। क्यों लगाया? वैसे ही। तो आप पढ़ते नहीं हो? क्यों नहीं पढ़ते? वैसे ही। तो आपके पापा क्या करते हैं? पापा नहीं कमाते? क्या कमाते हैं पापा? गोभी का काम। धोबी है वो? गोभी। तो क्या करते हैं उसमें मुझे बताओ? गोभी बेचते हैं मंडी पे। मंडी में बेचते हैं। तो आपको वो नहीं कहते कि बेटा पढ़ो? तो आप यहाँ पे काम कर रहे हो टायरों का, तो आपने बढ़ाओ के क्या बनना है? सीनियर इंजीनियर बनना है। तो आप यहाँ पे टायरों का काम करके तो इंजीनियर नहीं ना बनोगे, आपको तो पहले पढ़ना पड़ेगा। तो फिर आप तो स्कूल जाते नहीं हो, तो आप किस तरह इंजीनियर बनोगे? वैसे तो नहीं ना। अच्छा तो आपकी मामा नहीं आपको कहती कि बेटा स्कूल जाया करो, उन्होंने आपको यहाँ पे काम पे डाल दिया? कहती है। तो आप यहाँ पे फिर काम क्यों कर रहे? मैं वैसे ही आया हूँ मामू को। तो मामू ने आपको यहाँ पे काम पे लगा दिया? वैसे ही। तो बेटा आपको चाहिए कि आप स्कूल जाओ और स्कूल में जाके पढ़ो, फिर आप इंजीनियर बनो। ठीक है। हाँ तो आज आपने जाके मामा को कहना है कि मुझे स्कूल भेजो, मैंने स्कूल जाना करना है, मैंने टायरों का काम नहीं करना। ठीक है। वालेकुम सलाम। अच्छा बच्चे आप क्या करते हो? आप हमारी उम्र मुझे नहीं पता, मेरी अम्मी को पता है। अच्छा, नहीं ये पढ़ता है। अच्छा तो ये बताओ कि आप हम अपन गड़े से जाता है तो प्लास्टिक फ्लूक्सा चुगता है, हम बेच देता है। तो पैसे कमा लेते हैं? 1500 कमा लेते हैं। तो आपके पापा नहीं कहते कि पुत्र पढ़ो? नहीं। क्यों? माँ भी नहीं पढ़ता, दिल नहीं करता पढ़ने का। टीचर मारते हैं? मैं इसलिए नहीं पढ़ता। नाज़रीन आज के इस प्रोग्राम में हमने आपके सामने उन मसाइल को रखा है जो किसी के लिए नए तो नहीं है, लेकिन इन मसाइल को देखने सुनने और समझने के बाद हमारे मुआशे की बेहद बड़ी अक्सरियत हमेशा यही बात कहती है कि कसूर तो इनके माँ बाप का है कि जिन्होंने इन्हें पैदा कर दिया, लेकिन एक सच नाज़रीन ये भी है कि ये रियासत ये निज़ाम उन वालदैन के टैक्सेस से ही चलता है। गुजारिश सिर्फ इतनी है कि अगर तमाम सरकारी अदारे अपना काम सही से अंजाम देंगे तो हमारा आने वाला कल जाहिल इब्ने जाहिल की रवश से निकल कर नाज़रीन रोशन और ताबिंदा राह पर गाम हो सकेगा। इसके लिए हमें अपने कल को बचाने के लिए इन बच्चों को वर्कशॉप से उठाकर तालीम के जेवर से आरास्ता करना होगा, इनके हाथों से औजारों को छीनकर कलम को थमाना होगा, फिर ही हम अपने आने वाला मुस्तकबिल को बचा सकते हैं। अपने मेजबान मेहरान नासिर को दीजिए इजाजत, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।